मैदास जी का दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जा की छोती जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सबे सरे। है ना, इस पद में जो रैदास जी हैं वे कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ भी न कौनु करे। लाल अर्थात स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता है, अर्थात आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहती है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजू अर्थात गरीबों पर दया करने वाले, गुसैया अर्थात स्वामी, है ना, आप गरीबों पर दया करने वाले हो, आप स्वामी हो। यही कारण है कि आपने मुझ जैसे गरीब को सम्मान दिलाने के लिए मेरे माथे पर या मेरे सिर पर छत्र रखा है। जा की छोती जगत कौ लागे, ता पर तू ही ढरे। यानी जिसकी जिसके छूने से ही जगत अपने आप को अपवित्र मान लेता है, ऐसे गरीब पर, ऐसे अछूत पर आपने ही, आप ही द्रवित हुए हो। तू ही ढरे का मतलब आप ही द्रवित हुए हो। देखो, इस पंक्ति में रैदास जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को हमारे सामने उजागर किया है। है ना, जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें उच्च जाति के लोग अपवित्र मानते थे और उन्हें छूने से ही वो दूर भागते थे। है ना, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जाकी छोती जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। जिसके छूने से ही संसार के लोग अपने आप को अपवित्र मानते हैं, ऐसे निम्न जाति के लोगों पर आप ही द्रवित हुए हो। नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। है ना, वे कह रहे हैं कि जो मेरा ईश्वर है, मेरे प्रभु है, वो निम्न जाति के लोगों को भी ऊंचा कर देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं और किसी से भी डरते नहीं हैं। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। यही कारण है कि निम्न कुल में पैदा हुए नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु नाम के जो लोग थे उन पर ईश्वर ने कृपा की, इसी कारण वो संसार रूपी भवसागर से पार हो गए, उन्होंने मुक्ति पाली। कही रविदासु सुनहुरे संतहु, हरि जीवते सभे सरे। है ना, रविदास जी कहते हैं कि हे संतजनों सुनो, मेरे हरि के लिए, मेरे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, अर्थात आप उनकी शरण में जाइए, तभी आप इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।